हेलो वाइज कैसे हो यार गुड आफ्टरनून मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ यार इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी वन ओ वन कैसे हैं आप सभी लोग एक बार फटाफट से आ जाओ लाइक कर दो वीडियो को शेयर कर दो ताकि बाकी सारे बच्चे जो है हमारे साथ कनेक्ट हो पाएँ आई होप आपको मेरे को आप सभी को मेरी आवाज़ जो है प्रॉपर आ रही है आप मुझे देख पा रहे हो गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरी गुड आफ्टरनून एवरी वन गुड आफ्टरनून संजू प्रीति साई त्रिषा इंदु आंचल विवेक प्रगति अम्बीश साई संतोषी यशिका प्रगति प्रीति आदित्य खुशबू तुरंत आ जाएगा रो यार अब तो मैंने आपका काम भी कम कर दिया आजकल मैं करंट अफेयर भी नहीं करा रहा है भाई आजकल तो काम कम हो गया होगा आपका खुश होंगे है भाई अरे सर वो कराओ चाहे ना कराओ हम वैसे भी ना देखते थे <laughs> चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास जल्दी से यार क्लास को मैं कर रहा हूँ शुरू ठीक है और देखते हैं सो गुरुकुल 2.0 इसके अंदर में दोस्तों आज का हमारा जो सेशन है एन्वायरमेंट इकोलॉजी के ऊपर दोस्तों वो हम डिस्कस कर रहे हैं एंड व्हाट वी आर डिस्कसिंग बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड आज जो हम बात करेंगे येस्टर वी डिस्कस्ड अबाउट द ग्रासलैंड हमने घास के मैदान के बारे में डिस्कस किया है ठीक है और आज जो हम डिस्कस करेंगे ये आज हमारा सेशन नंबर सिक्सटीन है ठीक है सोलवा सेशन है हमारा ठीक है सेशन नंबर है लेक्चर नंबर है तो लेक्चर है हमारा दोस्तों व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस लास्ट क्लास में हमने ग्रासलैंड के बारे में देखा था आज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेजर्ट सिस्टम है ना आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे आपका डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में हम आपका पढ़ेंगे ठीक है डेजर्ट क्या होता है किस प्रकार से बनते हैं क्या खास बात होती है डेजर्ट इकोसिस्टम की वो सारी चीजें जो हैं यहां पर हम आपका साथ, आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं ठीक है सो गाइज दीज आर द फोर डिफरेंट चैनल्स वी हैव ऑन एन अकेडमी ऑन यूट्यूब बेसिकली जोग्राफी वन जीरो वन यू पी एस सी वन जीरो वन उसके बाद करंट अफेयर वन जीरो एनसीआर वन जीरो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बार बार ठीक है कि गाइज प्लीज यार जाइए और इन चारों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार चारों चैनल अपने ही हैं दोस्तों स्पेशली जोग्राफी वन जीरो वन इसको ढेर सारा प्यार आपको देना है सभी बच्चों को बताना है जो यूपीएससी के एस्परेंट्स हैं उनके फोन के अंदर में ये चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए है ना चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो अनएकेडमी ऐप पर भी हूँ मैं दोस्तों अनकेडमी ऐप पर अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरा कोड है सुमित कुमार आप सुमित कुमार से मुझे फॉलो कर सकते हैं सुमित कुमार है वहां पर मैं क्या करता हूँ क्विज़ कराता हूँ आपको मैं आपको स्पेशल क्लास कराता हूँ और हम आपको प्लस कोर्स भी कराते हैं सो ये सारी चीजें आपके साथ हम डिस्कस करते हैं और आप भी हमारे साथ इनको जुड़ के कर सकते हो एंड याद रखिएगा इन सबके लिए आप कोड यूज करोगे क्या सुमिटेन सुमिटेन मेरा कोड है इस कोड को आप यूज करोगे यू विल गेट टेन परसेंट इंस्टेंट डिस्काउंट एन शॉर्ट गाइडेंस बाय मी आपको थ्रू आउट द प्रोसेस में खुद गाइड करूंगा खुद मैं आपको बताऊंगा खुद मैं आपको पढ़ाऊंगा खुद मैं आपको, आपको सिखाऊंगा सारी चीजें मैं खुद से करूंगा ठीक है चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी जो डिस्कस करेंगे अभी एक बात मैं बता दूं दो, दोस्तों यूपीएससी यूपीएससीडमी की तरफ से आके आपको एक सरप्राइज दिया जा रहा है दोस्तों सरप्राइज क्या 20 बुक्स विच आर क्रिएटेड बाय द बेस्ट यूपीएससी एक्सपर्ट बीस किताबें हैं जो यूपीएससी के एक्सपर्ट्स के द्वारा क्रिएट की, की गई हैं वो आपको फ्री मिल रही हैं है ना बच्चों को बहुत सारे बच्चों को डाउट होता था कि सर जब हम ऑफलाइन में जाते हैं तो बड़ा सा पोथी भर के मिलती है हमें किताबों की है ना नोट्स मिलते हैं फ़ोटो मिलती है हमें यहाँ पर वो क्या मिलता होगा देखो अब आपकी वो भी ख्वाहिश पूरी हो रही है यहाँ पर आपको यूपीएससी जो है सी के लिए जो कुछ स्पेशली क्राफ्टेड बुक्स हैं वो भी आपको मिलेंगी फ्रॉम द अकेडमी एक्सपर्ट्स और ये जो बुक है दोस्तों इनकी किता ये है बीस बीस किताबें जिनकी कीमत आपको दस हजार ठीक है लेकिन आप अभी दस हजार नहीं पे करना आपको आपको सिर्फ अन अकेडमी को ज्वाइन करना है 14 अप्रैल से पहले अगर फोर्टीन ऑफ अप्रैल से पहले अगर आप अकेडमी को सब्सक्राइब करते हो फॉर वन ईयर एटलीस्ट वन ईयर सो यू विल गेट टेन के लिए जो किताबें हैं ये आपको क्या मिलेंगी दोस्तों यू विल गेट दीज बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है मतलब अगर आप 14 तारीख से पहले सब्सक्राइब करते हो ना फोर्टी ऑफ अप्रैल से पहले अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको डबल बेनिफिट मिल रहा है एक तो मेगा सब्सक्रिप्शन वाला चार महीने का एक्सटेंशन और साथ ही साथ दूसरा जो आपको फायदा मिल रहा है दूसरा आपको फायदा किस बात का मिल रहा है दोस्तों दूसरा फायदा मिल रहा है कि आपको दस हजार की किताबें फ्री मिल रही है कोई भी बच्चा टू तो जिसको ज्वाइन करना है ही टू रेट जी मेल डॉट कॉम पे ठीक है आप मुझे यहां पे क्या कर सकते हो मेल कर सकते हो कोई भी क्वेरी हो आपकी रिगार्डिंग एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन यू कैन कम एंड आस्क मी आप मेरे से आके क्या कर सकते हो दोस्तों पूछ सकते हो ठीक है फाइन कोई दिक्कत चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लास्ट क्लास में बात हुई देखो टॉपिक क्या है हमारा समझना मेरी बात टॉपिक क्या है दोस्तों टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ठीक है आदत है मेरी यार थोड़ा सा रिवाइज कराने की पीछे की तो मैं आदत से मजबूर हूँ मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं उन बच्चों से जो बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ने आए हैं है उनसे पहले ही माफी मांग लेता हूँ मेरी थोड़ी आदत है मित्रों कि मैं पीछे का थोड़ा सा क्या करता हूँ रिवाइज कराता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे का कल का जो है वो ताज़ा हो जाए एकदम से तुरंत जो कल पढ़ाया था है ना क्योंकि बच्चों के पास इतना टाइम कहाँ होता है बहुत बिजी होते हैं बच्चे कि वो क्या करें वो अपनी पढ़ाई करें ठीक है बहुत समय नहीं है उनके पास काफ़ी काफ़ी कुछ हैंडल करना होता है इस एज के अंदर उनको सो so, मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है ये भी मेरी जिम्मेदारी है एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूं सिस्टम की हम बात कर रहे थे ठीक है है वी आर टॉकिंग द टेरेस्ट्रियल ना सबसे पहले बात तो ये आती सर इको होता क्या वट एक्टली दस इको सिस्टम इज है ना तो दोस्तों मैंने आपको बताया था इको क्या होता है तो हमारी बात हुई थी देखो मामला चलता है इंडिविजुअल से है ना एक व्यक्ति से स्टार्ट होता है व्यक्ति जब मिलते हैं बहुत सारे तो पॉपुलेशन बनाते हैं पॉपुलेशन जब होती है तो पॉपुलेशन के बाद में क्या बनता है दोस्तों कम्युनिटी बनती है और कम्युनिटी के बाद अगर मैं बात करूँ तो ईको बनता है और इको के बाद अगर मैं बात करूँ दोस्तों आपका तो ईको के बाद बायोम बनता है बायोम के बाद अगर मैं बात करूं, तो मैं बात करूं आपका तो बायोस्फेयर बनता है ठीक है इस प्रकार से चलता है ठीक है आपको दिख रहा है ईको यहां पर है मतलब बहुत सारी कम्युनिटी जब मिलती है ना एक साथ रहती है अलग अलग स्पीसीज की कम्युनिटी जब एक साथ रहती है उसको हम इको बोल देते हैं ठीक है बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो मेरे बार बार, बार बताने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक कॉन्सेप्ट जो है हमारे वो अभी तक क्लियर नहीं है सो आई एम ट्राइंग कि वो क्या हो जाए दोस्तों हाँ मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ स्मृति श्रीवास्तव मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ ठीक है मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ ठीक है सो so, इको क्या होता है दोस्तों जब बहुत सारी कम्युनिटी एक साथ मिलके रहे ना आपस में ठीक है सो so, उसको हम क्या बोल देते हैं दोस्तों दैट इज नोन एज द इको सिस्टम इको सिस्टम में कुछ नहीं होता इको सिस्टम जो होता है ना इस पूरे इसका ये बायोस्फीयर है ना इसको हम बोलते हैं जीव मंडल इस जीव मंडल का अगर कोई फंक्शनल कार्यात्मक भाग है तो वो क्या है इको सिस्टम इसलिए हम इको सिस्टम को पढ़ते हैं ठीक है हम बाकी चीजों पर इतना ध्यान हमने कम्युनिटी पर इतना ध्यान नहीं दिया हमने पॉपुलेशन पे ध्यान नहीं दिया हम बायो बायोम को भी एक बार पढ़ के छोड़ देंगे हम किसी भी टॉपिक पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे जितना हम इको एक, सिस्टम पर ध्यान दे रहे हैं ठीक है सो इको सिस्टम क्या क्या है दोस्तों इको सिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट किसकी दोस्तों फंक्शनल यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर ये जो फंक्शनल यूनिट है दोस्तों ये लगातार किसके साथ इंटरेक्ट करती है हमारे ये हमारे एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है ठीक है यहां पर जो अलग अलग स्पीशीज पाए जाते हैं एनवायरमेंट से कुछ कुछ लेते रहते हैं और एनवायरमेंट को कुछ कुछ देते रहते हैं बस ये जो लेना और देना चल रहा है ना बस इसी को तो हम इको सिस्टम बोलते हैं फंक्शनल है यूनिट so, एक कार्यात्मक यूनिट है जिसके अंदर में जो आपके ज, ज, जो इको के अंदर में जितने भी जीव हैं हमारे वो आपस में क्या करते रहते हैं इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते रहते हैं मटीरियल को एक्सचेंज करते रहते हैं आर यू गेटिंग पॉइंट चलिए अब ये हिंदी में हमने बात की थी दोस्तों संगठन का स्तर आबादी समुदाय उसके बाद समुदाय से मिलकर पारिस्थितिक तंत्र बनता है फिर बायोम बनता है उसके बाद में क्या होता है आपका जीव मंडल अब मुद्दा आता है सर पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार का होता है ठीक है अगर आपसे पहले भी किसी बच्चे ने दोनों तीनों क्लास मिस की होगी ना इसकी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की और अभी भी वो ध्यान से सुन रहा है तो उसको समझ आ जाएगा इतना मैं श्योर हूं अच्छा ये चीज सही होती है कि गलत होती है ऐसा तो नहीं है कि मैं समय वेस्ट करता हूं आपका रोज डेली दस मिनट इस प्रकार से मेरा मानना होता है कि पीछे की चीजें अगर रिवाइज हो जाए तो बेहतर होता है बाकी आप मुझे बताइएगा अगर आप मना करेंगे तो विल डू ठीक है अदर अदर सम आदर तो इकोसिस्टम ना भाई साहब ये दो प्रकार के होते हैं सामान्यतः है ना भाई पारिस्थितिक तंत्र में मैंने बताया बहुत सारे समुदाय रहते हैं है ना बहुत सारी व्यक्तिगत आबादी और आबादी से मिलता है समुदाय तो रहते हैं किसमें दोस्तों आपका पारिस्थितिक तंत्र में अब रहने के लिए दो ही प्रकार की जगह होती है ठीक है आप कहा रह सकते हो भाई हम तो जमीन पे ही रहेंगे सर हवा में लटक अंतरिक्ष में रह सकते हो क्या नहीं रह सकते या तो आप सतह पे रहते हो सरफेस पे रहते हो और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पानी में रह सकते हैं तो रहने के लिए सिर्फ दो ही जगह होगी तो इसीलिए अपना पारिस्थितिक तंत्र भी कहां पाया जाता है मुख्यतः दो जगहों पर पाया जाता है पे सर एक तो स्थल के ऊपर ठीक है एक तो कहां पर स्थल के ऊपर और दूसरा कहां पर दोस्तों आपका जल अरे नहीं आई बात समझ में में समुदाय जहां आपस रहते हैं उसको हैं उसको पारिस्थितिक तंत्र बोलते रहने के कितनी जगह हो सकती है दो ना भाई हवा में तो कोई लटकेगा नहीं कि हवा में लटक रहा है घंटी बजा रहा है हवा में है ना ऐसा है कि हवा में लटके या तुम जमीन के अंदर पचास फुट गड्ढा खोद के वहां पे रह रहे हो क्रस्ट पे रह रहे हो आप लावा उबल रहा है तुम भी वहीं पकोड़े तल रहे हो उबलते हुए लावा में ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना कुछ कुछ होंगे कुछ प्रतिभाशाली होंगे जो ल, उबलते लावे में पकौड़े तलने के लिए जाएंगे ठीक है सो so ऐसा नहीं हो सकता सो so इसीलिए मैं बता रहा हूं हम दो ही जगह रह सकते हैं स्थल और जल है ना तो इसको हम क्या बोलते हैं स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र जलीय पारिस्थितिक तंत्र इंग्लिश में इसको बोला जाता है मित्रों टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और इसको क्या बोला जाता है दोस्तों इसको बोला जाता है इको इकोसिस्टम ठीक है दो इकोसिस्टम हो गए मेरे पास ठीक है स्थलीय और जलीय सो इकोसिस्टम सिस्टम हो गए मेरे पास दो टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम ठीक है सो वी हैव टू इकोसिस्टम ठीक है हमारे पास दो इकोसिस्टम हो गए अब दिक्कत क्या है दोस्तों

आज जिसका मैं पोस्टमार्टम करने वाला हूं वो है डेजर्ट और इसके बाद में जो हमारा आएगा वो होगा फॉरेस्ट ये होगा ऐसे ही दोस्तों एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी होता है कैसे कैसे सर सर एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी होते हैं पहला हो गया आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम ठीक है फ्रेश वाटर में क्या आएगा बताओ मुझे अरे सर नदी है लेक है लेक फ्रेश वाटर के अंदर आएगी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम ठीक है ताजा पानी का इकोसिस्टम लेक पोड ये सब किस में आएंगे ताजा पानी में आएंगे उसके बाद होगा समुद्र वाला ना तो समुद्र वाले को क्या बोलेंगे मराइन इकोसिस्टम ठीक है मराइन मतलब समुद्री पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड बार बार आती है, है कन्वेंशन बार बार आती है तो यही तो आएगी वेटलैंड हो गया वेटलैंड के बाद में हम क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों टू डिस्कस अबाउट द मैनग्रूव ठीक है ये ना हमारे पास मैंग्रोव्स तो इस प्रकार से हमारे पास चार चार इनके अंदर में डिवीजन हो गया ठीक है अब सर हमें किस बात से पता चलेगा कि टुंडरा बनेगा ग्रासलैंड बनेगा डेजर्ट बनेगा फॉरेस्ट बनेगा तो मैंने आपको बताया था मित्रों इन सब के लिए दो ही चीजें जिम्मेदार हैं आपकी ठीक है पहली जो जिम्मेदार चीज है ना उसको हम कहेंगे तापमान टेपरेचर ये टेम्परेचर वाकि वजह से ही सब होता है और दूसरा जो है वो क्या है दोस्तों रेनफॉल दूसरी जो चीज है जो इसके लिए जिम्मेदार है दैट इज रेनफॉल जो है वर्षा सो दो चीजें यहां पर बहुत जरूरी हैं जो इस सब के लिए जिम्मेदार हैं किसी जगह है पे टुंडरा बनेगा किसी जगह पे घास के मैदान बनेंगे किसी जगह पे डेजर्ट बनेगा किसी जगह पे फॉरेस्ट बनेगा इन सब के लिए जिम्मेदार है या तो तापमान या क्या है रेनफॉल है ना भाई किस जगह पे क्या होगा यही जिम्मेदार है ऐसे ही अगर मैं बताऊंगा ना

टुंडरा दो प्रकार के हो सकते हैं मैंने एक बताया था तापमान दो तरीकों से कम हो सकता है पहला तापमान कम हो सकता है अक्षांश के हिसाब से लैटिट्यूड और दूसरा हो सकता है मित्रों ऑल्टीट्यूड के हिसाब से लैटिट्यूड कैसे हो सकता है सर मैंने आपको बताया हुआ था कि सर जैसे जैसे हम निम्न अक्षांश से ऊपरी अक्षांश की ओर जाते हैं इस इलाके में हमारा तापमान क्या हो जाता है रिड्यूस हो जाता है सो इस इलाके के अंदर हमारे पास टूंडरा बेल्ट मिलती है तो जब ये ऐसे जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं आर्कटिक टूड्रा क्या बोलते हैं दोस्तों आर्कटिक टूड्रा दूसरा भी टूंडरा है जब मैं हाइट पे जाता हूं जैसे हिमालय है भाई हिमालय आप कभी जाओ इधर हिमालय चंडी इधर दिल्ली दिल्ली से चंडीगढ़ चंडीगढ़ से शिमला शिमला से मनाली मनाली से रोहतांग ऐसे लेह लद्दाख ऐसे आप जैसे जैसे हाइट पे चढ़ते जाते हो ना पहाड़ पे चढ़ते जाते हो आप देखते हो तापमान सडनली क्या होता है डिक्रीज होता जाता है और जैसे जैसे तापमान गिरता है ना वैसे वैसे आपकी वनस्पति भी बदलती जाती है उसको हम बोलते हैं अल्पाइन तो ये हो गया क्या अल्पाइन ठीक है तो अल्पाइन किससे रिलेटेड हो गया आपका हाइट से ऑल्टीट्यूड से और लैटीट्यूड से रिलेटेड क्या हो गया दोस्तों आपका लैटीट्यूड से रिलेटेड हो गया आपका आर्कटिक टूड्रा ठीक ये हो गया कंप्लीट अब आया आपका घास के मैदान सबसे बड़ा सवाल जो घास के मैदान में आता था वो क्या आता था सर घास के मैदान होते क्या वॉट exactly so, आपको बताया दोस्तों वेजिटेशन जो होती है ना वनस्पति इसके आधार पर मैं किसी भी इकोसिस्टम को तीन भागों में बांट सकता हूं ठीक है मेरे पास घास के मैदान जो है वो एक प्रकार का इको है पारिस्थितिक तंत्र है कैसे विभाजित करता हूं मैं आपको देखो मेरे पास तीन पारिस्थितिक तंत्र है पहला जो पारिस्थितिक तंत्र है दैट इज फॉरेस्ट दूसरा जो है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों दूसरा जो है दैट इज नोन एज डेजर्ट ठीक है और तीसरा जो है ना मेरे पास थर्ड उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों ग्रास लैंड घास के मैदान सो वी हैव थ्री डिफरेंट इकोसिस्टम हमारे पास तीन इकोसिस्टम है कैसे विभाजित कर रहा हूं मैं पता है फॉरेस्ट वो है जिसके अंदर में ट्री डेंसिटी बहुत ज्यादा है ठीक है फॉरेस्ट क्या है जिसके अंदर में ट्री डेंसिटी जो है वो क्या है ज्यादा ट्री डेंसिटी इज वेरी हाई ग्रासलैंड डेजर्ट वो है जिसमें ट्री डेंसिटी भाई साहब है ही नहीं पेड़ है ही नहीं इसमें नो ट्री एट ऑल ठीक है है ही नहीं और ये क्या है बीच का मामला है ना ट्रांजिशनल एरिया है ठीक है इसमें ट्री डेंसिटी है बट ट्री डेंसिटी इज वेरी लो

ग्रासलैंड जो था हमारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यानी कि ट्रॉपिकल घास के मैदान जो थे हमारे पास ये क्या थे सर ट्रॉपिकल और टेम्परेट ट्रॉपिकल का मतलब क्या था आपका दोस्तों उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल मींस उष्ण कटिबंधीय और ये क्या थे सर टेम्परेट मींस टेम्परेट का मतलब क्या था टेम्परेट का मतलब था शीतोषण कटिबंधीय ठीक है शीतोषण कटिबंधीय ये हो गए सो so, दो प्रकार के थे हमारे पास ट्रॉपिकल और दूसरा क्या था सेकेंड हमारे पास क्या था दोस्तों टेम्परेट ट्रॉपिकल टेम्परेटर है ना ट्रॉपिकल उधी मतलब इसमें एवरेज टेम्परेचर जनरली ज्यादा रहता है इसमें एवरेज टेम्परेचर क्या होता है जनरली कम होता है बात हुई थी कि नहीं हुई थी हमारी है ना बात हुई थी अब घास के मैदान पाए जाते हैं तो उसमें मैं जैसे बोल भी रहा हूं जब मैं बोलता हूं घास के मैदान सो so इसमें लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है दोस्तों ग्रासलैंड के अंदर में ग्रासलैंड के अंदर में लिमिटिंग फैक्टर होता है रेनफॉल रेनफॉल इज द लिमिटिंग फैक्टर कैसे सर अगर तुमने बारिश ज्यादा करा दी तो घास के मैदान किस में बदल जाएंगे फॉरेस्ट में क्योंकि पेड़ पौधों को ना कोई भी जो पेड़ है ना ट्री इसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं पहला है तापमान और दूसरा क्या है दोस्तों इसके लिए रेनफॉल ठीक है टेम्परेचर और दूसरा क्या है दोस्तों रेनफॉल दो चीजें बहुत जरूरी है अगर आपने गलती से दोनों चीजें तापमान उसको दे दी अगर आपने गलती से कंटिन्यूटी के साथ डेडिकेशन के साथ कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन के साथ में यूपीएससी का एग्जाम दे दिया गलती से अगर ये काम कर दिया तो आपका गलती से सिलेक्शन हो जाएगा ठीक है क्या होगा भाई अगर आपने कॉन्स्टि कंसिस्टेंसी हार्डवर्क के साथ में अगर आपने यूपीएससी का एग्जाम दे दिया गलती से तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा सो so, मैं ऐसा ही बोल रहा हूं ट्री को दो ही चीज चाहिए तापमान और क्या रेनफॉल अगर आपने दोनों चीज उसको दे दी ना तो भाई साहब ये किस में बदल जाएगा फॉरेस्ट में बदल जाएगा और अगर ये दोनों चीजें आपने उसको नहीं दी इसमें से अगर आपने मान के चलो रेनफॉल कम कर दिया तो वो किस में बदल जाएगा डेजर्ट जो आज में बदलूंगा तो डेजर्ट आज हम पढ़ेंगे ठीक है लेकिन उससे पहले हमने कल बताया था इसके बारे में घास के मैदान के बारे में तो घास के मैदान में भी मेन फैक्टर क्या होता है रेनफॉल उसमें बारिश की कमी होती है कोई भी अगर आपसे पूछे कि मरुस्थल सॉरी जो घास के मैदान है उसमें डोमिनेंट वेजिटेशन क्या होती है तो आप बोलोगे सर घास के मैदान ही नाम हम क्यों ले रहे हैं क्योंकि उसमें घास पाई जाती है और जब घास के मैदान होते हैं तो इसके अंदर जीव जंतु कैसे मिलेंगे जो हरबी बोरस है बड़े बड़े हरबी बोरस जो घास को खाते हैं जैसे गाय भैंस बकरी हिरण जो घास को खाते हैं यही होंगे ना और इनको कौन खाते हैं इनके पापा ठीक है शेर वगैरह जो जो टॉप होता है इसीलिए घास के मैदान होते हैं ना उसमें बहुत लार्ज बायोडाइवर्सिटी होती है ठीक है उसमें जो आपका बायोमास है ठीक है ट्रॉपिक ऑफ बायोमास सुना था ना आपने ट्रॉपिक ऑफ एनर्जी ट्रॉपिक ऑफ बायोमास बायोमास के हिसाब से जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है ना दोस्तों जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है कैसा होगा बताओ अपराइट होगा इन्वर्टेड होगा अपराइट होगा हो बायोमास के हिसाब से तो ग्रासलैंड इको इकोसिस्टम आपका ये क्या बोल रहे हो सर अपराइट पपराइट हमें समझ में नहीं आ रहा पहली बात अपराइट होगा साथ ही साथ दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो मतलब नंबर ऑफ जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बायोमास इसमें क्या होता है दोस्तों इनफैक्ट मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा होता है मैक्सिमम होता है ठीक है क्योंकि यहीं पे बड़े बड़े आकार वाले जीव जंतु जो है आपके पाए जाते हैं द टेरिस्टल इकोसिस्टम ठीक है लाइक like नहीं करेंगे लड्डू कुमार केसरी मैं तो कह कह के थक चुका हूं भाई लाइक like कर दिया करो यार लाइक like कर दिया करो मुझे लगता है सुबह पहले आके पांच मिनट रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी हाथ जोड़ के मैं ज्यादा लाइक लाइक बोलता हूँ तो पता है फिर कुछ महान आदमी गए वो मेरी बेजती करने पे आ जाते हैं कह रहे सर विकारी हो रहे हो क्या तो <laughs> इसीलिए भाई मैं तो अब कहता ही नहीं हूँ भाई इच्छा करेगी तो वो कर देंगे ठीक है, है? कनिष्का नागर क्या कह रही है सर यूपीएससी वन पर सबकी नोटिफिकेशन आती है बट आपकी क्लास की नहीं आती ऐसा क्यों मेरी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती ना आपको आप एक बार तो देख ही लोगे ना नोटि मुझे पता नहीं ऐसा क्यों होता है ऐसा क्यों नहीं होता आई डोंट नो ट्रूली आई डोंट नो बट वट हैपन्स कि मेरी नहीं भी आती तो मेरा आपसे प्रेम इतना है कि जब भी मैं क्लास लेने जाऊंगा ना मुझे ऐसा लगता है आप आ ही जाओगे है ना और अगर नहीं भी आप आते ना तो एक अपना टेलीग्राम चैनल है मैंने बनाया हुआ एक प्लेटफॉर्म ठीक है एक टेलीग्राम चैनल है ना टी डॉट एम ई स्लैश सुमित राठी यू पी एस सी बस इसको ज्वाइन कर लो यार ठीक है टी डॉट टी डॉट एम ई स्लैश सुमित राठी इसको ज्वाइन कर लो ठीक है आपको नोटिफिकेशन वहां पे आ जाती है मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं आती बट नहीं आती तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल वहां पे मैं कोई भी क्लास शुरू करने से पहले नोटिफिकेशन डाल देता हूं कल मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी अब पता नहीं आप पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए मैं अच्छा लगेगा मुझे अगर आप ये कहोगे कि सर हम पढ़ के आए हैं ठीक है So, truly speaking, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आपने वो काम किया है तो एंड वी आर गोइंग टू कंडक्ट वन मोर स्पेशल क्लास ऑन द डेजर्टिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी वो ठीक है सो so, कल हमारी बात हुई थी मैंने आपको ये दो होमवर्क दिए थे कितने बच्चों ने इसके ऊपर काम किया ईमानदारी से बताना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रासलैंड ठीक है कल हमारी बात हुई थी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रासलैंड घास के मैदान एंड सेकंड इज द डिग्रेडेशन डिग्रेडेशन घास के मैदानों का डिग्रेडेशन ईमानदारी से बताना कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ा था ठीक है देखो अभी भी कई लोगों ने सब्सक्राइब उसने लाइक नहीं किया है आपने ऐसा तो नहीं है कि चैनल ही सब्सक्राइब ना किया हो कल मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ के आना था और डिग्रेडेशन देखो कलामुद्दीन साहब कह रहे हैं क्या पढ़ना था ठीक है क्या पढ़ना था या क्या पढ़ना है जल्दी जग गए भाई जल्दी जग गए आप तो यार <laughs> देखो आधे ज्यादा बच्चे अभी भी हैं जिन्होंने अभी भी लाइक नहीं किया अरे छोड़ो ना क्या सर तो बोलते रहते हैं इनको बताओ नमस्कार यार नमस्कार वसंत वसंत नमस्कार यार नहीं यार सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ा ठीक है सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ा बहुत खास नहीं बढ़ा वी गॉट ओनली 150 सब्सक्राइबर 150 सब्सक्राइबर आप लोग जब तक जोर नहीं लगाओगे नहीं बढ़ सकता ना आप लोग देखो सब लोग यहाँ मेहनत कर ही रहे हैं है ना मैं हर वो काम कर रहा हूँ जो आपके लिए अच्छा, जो आपके लिए अच्छा है ठीक है देखो गुरुकुल टू पॉइंट लेके आया गुरुकुल मैकबुक लेके आया अब एक और नया प्रोग्राम तल रहा है ठीक है दो नए प्रोग्राम तले जा रहे हैं भुने जा रहे हैं ठीक है मतलब जो यूपीएससी की तैयारी के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं ना सब आपको दी जा रही है सब एवरीथिंग बस उम्मीद ये है कि आप उन चीज़ों को अप्रीशिएट करो आप उन चीज़ों को पसंद करो और आप उन चीजों में टीम को सपोर्ट करो सहायता करो ठीक है टीम के लिए आप भी थोड़ा सा एफर्ट लगाओ यार है ना कल मैंने कहा था कि कम से कम मैं एक ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखा था ना कल हमने यही कहा था आपको सिर्फ और सिर्फ कि मैं सोच रहा था कि 57 के सब्सक्राइबर हो जाएं बट नहीं हुए ठीक है वी ओनली गॉट 50 150 सब्सक्राइबर डेढ़ सौ सब्सक्राइबर चलो कोई बात नहीं यार आपकी इच्छा है जैसा आप कहोगे जैसा आपको पसंद होगा वो आप कर दोगे ठीक है पर मैं आपके लिए काम करना और मेहनत करना कम नहीं करूँगा जितना मतलब मेरी हिम्मत है ना जितना मेरे अंदर हिम्मत है मैं तब तक वो काम आपके लिए मैं करता रहूँगा इस चीज़ में मैं कहीं पे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दूँगा ठीक है समझ में आई बात हाँ करंट अफेयर की क्लास नहीं मिल रही लवप्रीत कौर वो पढ़ते भी नहीं थे वैसे भी बहुत कम बच्चे देखते थे उसको 300 400 बच्चे आ गए थे सुबह मॉर्निंग में अब मुझे बड़ी शर्म आती थी कि 1400 बच्चों से 300 बच्चों पे क्लास आ जाती है ना फिर मेरा स्पीकिंग मेरा मन नहीं करता फिर मैंने सोचा कि ठीक है बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा तो ब्रेक दे देते हैं फिर आप जब दोबारा कहोगे कि सर कर दो शुरू दोबारा कर देंगे शुरू ठीक है एक नए अवतार के साथ दोबारा पेश कर देंगे आपके बीच में नहीं चलिए अच्छा ये आपने उम्मीद करता हूं पढ़े हैं नहीं पढ़े तो यार पढ़ लेना देखो घास के मैदान का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है जितने भी अपने पास इंडिया में मवेशी रखते हैं सबके सब घास ही तो चरते हैं बहुत हरबी ओर दूध वगैरह देते हैं तो उनके लिए उनको चराने के लिए ग्रासलैंड जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बड़ी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को ये क्या करते हैं सपोर्ट करते हैं इनकी एक प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी डिग्रेडेशन की आग लग जाती है एक ब... एक प्रॉब्लम है दूसरी जो है वो है आपकी रेंचिंग जो चराई करते हो ना आप जो पशुओं को चराते हो आप चारा चराते हो उससे घास के मैदान बहुत डिग्रेड होते हैं ठीक है दूसरी जो है लगातार जो जिस प्रकार से डेजर्टिफिकेशन हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है आपकी सॉइल की अपर लेयर के अंदर मॉइस्चर खत्म हो जाता है उसकी वजह से सो so, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों के दोनों मैं चाहता हूं आप पढ़ो नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी यार इसके ऊपर एक स्पेशल क्लास हम करेंगे ठीक है मैं इसके ऊपर स्पेशल क्लास करूंगा क्योंकि ये एक टॉपिक है इसका यहां पर इतना सिग्निफिकेंस नहीं आप पढ़ोगे तभी मैं इसके ऊपर अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मैं इसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा ठीक है पढ़ोगे तो ही डिस्कशन हो पाएगा इसका डेजर्ट इकोसिस्टम पे चलते हैं दोस्तों सो डेजर्ट क्या होते हैं सबसे पहले बताओ मरुस्थल क्या होते हैं अगर मेरे से आप डेजर्ट, तो डेजर्ट है। है दोस्तों कोई भी ऐसा एरिया जो अनप्रोडक्टिव हो ध्यान से सुनना ये मैं ज्योग्राफी के हिसाब से बता रहा हूं इसकी दो प्रकार की डेफिनेशन होती है एक डेफिनेशन होती है ज्योग्राफी के हिसाब से और दूसरी डेफिनेशन होती है इकोलॉजी के हिसाब से ठीक है मैं पहले ज्योग्राफी की डेफिनेशन बताता हूं बिकॉज यूपीएससी सी एस सी दो हजार पंद्रह मेन्स के अंदर ये सवाल पूछा गया था डेजर्ट्स के बारे में तो मेरे हिसाब से डेजर्ट्स क्या है डेजर्ट वो इलाका है जो बायोलॉजिकली अनप्रोडक्टिव है ठीक है बायोलॉजिकली अनप्रोडक्टिव है एक आपको एक ट्रिक दू एक आपको गुरु मंत्र दू भाई बढ़िया सा अगर आप कहो तो एक बहुत अच्छी चीज समझाता हूं एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूं आपको समझना मेरी बात कितने बच्चे ऐसे हैं जो डेफिनेशन याद करते हैं जैसे मैंने डेजर्ट बोला तो डेफिनेशन याद करेंगे कितने ऐसे बच्चे हैं हैं जो जो मैं मैं लेक तो तो उसकी उसकी डेफिनेशन डेफिनेशन याद करेंगे कितने बच्चे ऐसे फॉरेस्ट तो को याद करेंगे ईमानदारी से बताना क्योंकि आप ईमानदार रहोगे तो ही मैं आपको समाधान दे पाऊंगा कितने बच्चे ऐसे ऑलमोस्ट निन्यानवे परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो डेफिनेशन को क्या करते हैं याद करते हैं किसी किताब में कोई चीज लिखी होती है और आप उसको क्या करते हो याद करते हो डेजर्ट की ये जो टर्म्स है ना जैसे डेजर्ट लेक किसको कहते हैं बे किसको कहते हैं सी किसको कहते हैं ओशन किसको कहते हैं मैं बहुत कॉमन टर्म्स बोल रहा हूं। किसी भी किताब में इनकी कोई डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी किसी भी किताब को उठा के देख लो यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ द डेफिनेशन ऑफ दीज टर्म्स है ना आपको इन टर्मनोलॉजी की किसी भी प्रकार की कोई डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी मैं मतलब दावे के साथ कह सकता हूं कभी याद नहीं करते हैं? <laughs> क्यों भाई क्यों नहीं याद देखो याद तो करनी है तुम्हें लेकिन याद करने का तरीका कई बार क्या होता है डेफिनेशन आप याद कर लेते हो सीधा मैं क्या करता हूं ना मैं डेफिनेशन बनाता हूं मेरे को भी एक टीचर थे मेरे उन्होंने बताया मेरे को कि जस्ट ट्राई टू क्रिएट योर ओन डेफिनेशन जैसे उन्होंने मेरे से आज भी मेरे को याद है उन्होंने मुझसे पूछा था लावा क्या होता है ठीक है वॉट इज लावा अब यूपीएससी में ना जब इंटरव्यू होता है इंटरव्यू होता है आजकल बहुत सारे बड़े बड़े टीचर हैं जो इन पे क्लास ले रहे हैं साक्षात्कार मैं एक दिन देख रहा था टाइटल था क्लास का कि साक्षात्कार में कैसे करें मतलब कैसे करें साक्षात्कार मैं कहा भाई ये कौन सी बात हो रही है ठीक है साक्षात्कार क्या आ रहा है फिर पता चला अच्छा इंटरव्यू कहते हैं फिर हमारे अर्चित सर जो है वो हिंदी के कवि हैं बहुत बड़े तो उन्होंने बताया है ना बहुत सारे कवि सम्मेलनों में भी जाते हैं वो आप उनसे दो तीन बार ही कहोगे ना रिसाद रिसाद वो दो तीन पेश कर देंगे आपको क्लास के अंदर ही तो कवि अर्चित ने मेरे को बताया कि सर क्या होता है साक्षात्कार का मतलब उसका मतलब होता है इंटरव्यू मैं कहा अच्छा मैं कहा बताओ यार ऐसा वर्ड भी होता है तो साक्षात्कार जब होता है ना इंटरव्यू जब होता है तो इंटरव्यू में ऐसी चीजें बहुत पूछी जाती हैं आपसे टर्म्स में से ही पूछ लेगा जैसे डेजर्ट क्या होता है आपसे पूछ लिया अब डेजर्ट बताओ होता क्या है अब बच्चा फंस जाता है यार तापमान होता क्या है ठीक है होता क्या नहीं पता होती इन चीजों के बारे में भाई ठीक है नहीं पता होती बेसिक चीजें बहुत ज्यादा बेसिक जब एक कहता है ना कि स्तर गिर जाए ये स्तर गिरा के पूछ लेते हैं कई बार अब मेरे से पूछा गया लावा क्या होता है नहीं पता था भाई अब मैं सोच रहा हूं मैं कह रहा हूँ जो धरती से निकलता है धरती से बहुत कुछ निकलता है भाई धरती से बहुत कुछ निकलता है हर चीज़ को लावा थोड़ी ना बोलोगे सर जो धरती से निकलता है जिससे पहाड़ बनता है तो हर लावे से पहाड़ नहीं बनता ना कई लावों से तो पठार भी बनता है मुझे नहीं पता था फिर उन्होंने मेरे को बताया कि ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट योर ओन डेफिनेशन ठीक है वो गलत हो कोशिश करो ठीक है तो मैंने कोशिश की मैंने फिर बोलाइड द अर्थ ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर अभी कोई ऐसी चीज है जो ने आपको नहीं पता हो पृथ्वी के अंदर तापमान ज्यादा होता है जोड़ दिया ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर तापमान प्रेशर ज्यादा होता है मैंने, जोड़ pressure, होता है. क्यों बोला मैंने? क्योंकि पृथ्वी के नीचे जो तरल पदार्थ होता है ना उसमें बहुत सारी गैस बहुत सारे आयन क्योंकि हाई टेम्परेचर है ना तो, मैंने बोल दिया तो मैंने बोला सर, कि अर्थ हाई और हाई प्रेशर लावा। अरे सर खुश हो गए क्या जबरदस्त और मैं भी मुझे भी लगा वास्तव में मुझे उस दिन से पता चला कि यही होता है हम सब क्या करते हैं किसी किताब की डेफिनेशन को याद करने का प्रयास करते हैं नहीं आप किताब की डेफिनेशन याद करने का प्रयास मत करो आप चीज को समझने का प्रयास करो जब एक बार आप चीज समझ लेते हो ना ट्राई टू क्रिएट योर ओन डेफिनेशन एंड आई एम गारंटिंग यू कि आपकी जो डेफिनेशन का जो वर्जन होगा दैट इज मच बेटर बुक ठीक है किताबों से बहुत कम बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन होता है दोस्तों बहुत कम बच्चे मेरे साथ में आपको बहुत सारे आज फिर जीव कट गया यार मुझे लगता है मेरे उल्टे दिन चल रहे हैं मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं दोस्तों जो कि अपनी बात मन की बात किताब में लिख के आए नरेंद्र मोदी की तरह मन की बात किताब में लिख के आए हैं एंड दे गुड मार्क्स नंबर उनको मिले बहुत अच्छे नंबर मिले सही बता रहा हूं मैं आपको और एक बच्चा हुआ है जो किताब की यू का यू चेप दिया उसने यू का यू लेकिन फेल ही हो गया वो बेचारा छह के खराब करके बैठा हुआ है और कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने जिनका तैयारी भी नहीं थी वो तो ऐसे ही बेचारे लटके रहते थे इधर गर्लफ्रेंड उसको झटका दे रही है कि इस बार नहीं हुआ तो मेरे पापा मेरी कहीं और शादी कर देगा वो बेचारा लटकता रहता था सिगरेट और पीता रहता था लगातार धै धनादन। तो जब वो इंटरव्यू में भी गया था तो उसको एक ही बात पता उसको तैयारी नहीं थी आधा दिमाग तो गर्लफ्रेंड ने चाट रखा था ना उसका पर उसको डर था कि भाई ये इंटरव्यू निकलेगा तो नौकरी तो निकलेगा नौकरी के साथ साथ छोकरी भी निकलेगी ठीक है तो वो बेबाक होके उसने जवाब दिया और बेबाक होके जब जवाब दिया खुद का जवाब दिया उसका सिलेक्शन भी हो गया इसीलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों जियोग्रफी और इकोलॉजी दोनों के हिसाब से मैं इसकी डेफिनेशन तैयार कर सकता हूं ठीक है सर जियोग्राफी के हिसाब से बायोलॉजिकल अनप्रोडक्टिव एरिया ऐसा एरिया जिसमें ना कुछ उगा नहीं उग नहीं सकता कुछ प्रोड्यूस नहीं हो सकता अब ये इसमें समुद्र भी आ सकता है स्थल भी आ सकता है मैं स्थल की बात करता हूं अब प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है दोस्तों अगर मैं धरती पे हूं तो प्रोडक्शन के लिए मुझे चाहिए मिनरल ठीक है भाई मिट्टी के अंदर अगर खनिज नहीं होंगे तो कुछ उगेगा नहीं नहीं उगेगा सर मुझे इसके लिए चाहिए वाटर अगर मान के चलो मुझे पानी नहीं मिलेगा तो कुछ उगेगा कुछ ना होगा सर जी तापमान एक सही टेम्परेचर होना आवश्यक है ले लद्दाख में टेम्परेचर बहुत कम है क्या उगता है कुछ आर्कटिक में कुछ उगता है अंटार्क्टिका में कुछ उगता है कुछ ना उगता सर जी अल अजीजिया लीबिया के अंदर कुछ उगता है क्या नहीं उगता सर जी नहीं उगता भाई टेम्परेचर इतना है, नहीं उगता सो बेसिकली एक टेम्परेचर कंडीशन भी होना क्या है जरूरी है अगर मैं ओशन की बात करूं तो ओशन में सनलाइट ठीक है होना बहुत जरूरी है तभी उस पर कुछ प्रोडक्टिव होता है तो ये कुछ चीजें हैं ठीक है अगर इनमें से कोई एक भी चीज मिस होगी ना तो आप ये मान के चलो वो एरिया डेजर्ट बदल जाएगा उसको डेजर्ट बनते देर नहीं लगेगी मान लो किसी जमीन में खनिज नहीं है मिनरल्स नहीं है तो वो क्या है बंजर है रे कालर उसर थूर जिसको हम बोलते हैं तो वो भी क्या बंजरी तो है बंजर ही तो मेरे हिसाब से वो भी डेजर्ट है भाई जब किसी जमीन में कुछ उगना रहा तो डेजर्ट है वो दूसरा वाटर पानी नहीं है थार डेजर्ट हो गया अपना रेगिस्तान ऐसा नहीं है कि उस मिट्टी में कुछ उग नहीं सकता अगर आप रेगिस्तान के अंदर में अपने जो थार राजस्थान की भूमि अगर उसमें आप सिंचाई का प्रबंध कर दो तो अच्छी खासी फसल वहां से उगा सकते हो आप और इसका उदाहरण है इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम जो हम लेके गए हैं वहां पे, उसकी वजह से क्या हो रहा है आप देख लो वहां पर दोबारा से एग्रीकल्चर संभव हो पाया है ना सो so, पानी खेती की वजह से भी हो सकता है और तापमान टेम्परेचर टेम्परेचर की अगर एक्सट्रीमिटी हो तो भी अनप्रोडक्टिव हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया सहारा मरुस्थल लीबिया के अंदर अजीजिया अठावन डिग्री तापमान है भाई अठावन डिग्री में कौन सी फसल होगी भाई बताइए हो। अठावन डिग्री में आमलेट बन सकती है वो भी आपराइ ठीक है और न बन सकता वहां पर कुछ भी ऐसे ही बताओ वर्क माइनस अठासी डिग्री तापमान है मतलब मजाक हो रहा है अठासी डिग्री माइनस का अठासी डिग्री ठीक है कैसे मतलब कुछ हो पाएगा वहां पे कुछ हो सकता है नहीं हो सकता तो क्या हो गया बायोलॉजिकल अनप्रोडक्टिव एरिया तो मेरे हिसाब से डेजर्ट की डेफिनेशन बहुत वाइड है मैं बार बार ऐसा बोलता भी था और यूपीएससी ने मेरी सुनी 2015 के अंदर में ऐसा सवाल पूछ भी लिया था यूपीएससी मेंस के अंदर 2015 के अंदर में ऐसा सवाल आया था यूपीएससी मेंस में आप उठाओ ऑप्शनल के अंदर में ठीक है ज्योग्राफी में आप उठाओ और उसको उठा के देखो आधे सारे बच्चों के हथियार पस्त हो गए थे ठीक है गाइज यूपीएससी की जो तैयारी है ना वो आज से ही शुरू हो जाती है आपकी आई बनने की ठीक है लोगों का मानना होता है कि जब आप बन जाते हो आई एस ट्रेनिंग दी जाती नहीं भाई आज से शुरू हो जाती है आपकी आपको इन चीजों को अप्लाई करना है सोचना दिमाग चलाना है सिर्फ किताब पढ़ोगे तो यहीं रह जाओगे लेकिन किताब पढ़ के अगर खुद की बुद्धि चलाओगे तो आप आगे जाओगे मैं लिख के दे रहा हूं है ना और देखो मेरे गुरुकुल प्रोग्राम में ना मुझे बहुत मैं पहले ही बता चुका हूं 300 बच्चे हैं जो बहुत पोटेंशियल बच्चे हैं ठीक है इस बार प्रीलिम्स फाड़ने वाले हैं वो अगर सही राह पे रहे तो नहीं तो 100 बच्चे मुझे ऐसा पूरा पता है कि अगर भगवान ने चाहा उनका सिलेक्शन है ही है क्योंकि वो पूरी मेहनत कर रहे हैं है ना कोई रोक नहीं सकता आई एम गारंटिंग दिस टू ऑल ऑफ यू ठीक है अब

डेजर्ट जो है क्या होता है दूसरा फ्लोरा एंड फोना मतलब वनस्पति जो है यहाँ पे वो कैसी मिलेगी दोनों चीज हमें यहाँ पर क्या करनी है फ्लोरा फोना एंड डेजर्ट होता क्या है वास्तव में दोनों चीजों के बारे में आपको बताऊंगा चलिए डेजर्ट क्या होता है दोस्तों देखो यहां पर लिमिटिंग फैक्टर इसने क्या बोला है इसने लिमिटिंग फैक्टर बोला है आपका वाटर सिर्फ और सिर्फ लेकिन मैं दोनों लेके चल रहा हूं मैं बारिश भी लेके चल रहा हूं और मैं तापमान भी हॉट एंड लो रेन एरिया भाई ऐसा इलाका जो गर्म है क्यों ठंडा नहीं हो सकता क्या ठंडे में भी तो डेजर्ट बनता है हाँ बनता है सर कूल डेजर्ट बनता भी दिखाऊंगा मैं सो हॉट एंड एरिया एरिया भाई ऐसा जो गर्म हो और क्या हो आपका कम बारिश का हो ठीक है आपकी किताब है आई थिंक ये एक बहुत फेमस किताब है वो एनवायरमेंट की तो उसमें सिर्फ हॉट के बारे में डेफिनेशन है उसमें सिर्फ यही दिया हुआ है ठीक है लेकिन इतना सही नहीं है दोस्तों हॉट एंड लो रेन एरिया भाई ऐसा एरिया जो गर्म भी हो और बारिश भी क्या होती हो कम होती हो सर्फ सफ़रिंग फ्रॉम द वॉटर शॉर्टेज आप देख रहे हो लिमिटिंग फैक्ट्री ने क्या रखा है लिमिटिंग सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल को रखा है सिर्फ लिमिटिंग को यहां पर रखा है, है, है. मतलब या तो तापमान आपको बहुत ही ज्यादा दिखाई देगा या तापमान बहुत ही क्या दिखेगा कम मैंने उसमें ऐड कर दिया है तो जब तापमान ज्यादा होगा उसको हम क्या बोलेंगे हॉट डेजर्ट बोलेंगे ठीक है मेरी तरह नहीं कोल्ड डेजर्ट मेरी तरह आप जब तापमान ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे कोल्ड डेजर्ट आपकी तरह मेरी तरह हॉट डेजर्ट आपकी तरह ठीक है सो गाइज हॉट एंड लो रेन एरियाज दे आर सफरिंग फ्रॉम द वाटर स्टोरेज वाटर डेफिशेंसी यहाँ पे होती है एरिया जनरली गर्म होता है और तापमान बहुत ज्यादा होता है ठीक है दूसरा तापमान भी बहुत कम भी होता है जैसे लेह लद्दाख के अंदर है तो यहाँ पर याद रखना हॉट डेजर्ट भी हो सकता है एंड कोल्ड डेजर्ट हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट यहाँ पे पाया जा सकता है जितना मैं भूमध्य रेखा के पास रहूंगा जितना मैं इक्वेटर के पास रहूंगा दोस्तों उतना मुझे क्या मिलेंगे दोस्तों यहां पर उतना मुझे यहां पर हॉट डेजर्ट मिलेंगे ठीक है हॉट डेजर्ट मिलेंगे अच्छा जिन बच्चों ने मेरे से ज्योग्राफी पढ़ी वो बता भी सकते हैं और जितना पोल की तरफ जाओगे जितना लैटीट्यूड हाई लैटीट्यूड होगा या ऑल्टीट्यूड हाई होगा

ठीक है इस जोन के अंदर अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाएगा पैंतालीस डिग्री ऐसा मान लेते हैं ठीक है इधर लिख लेता हूं ये जीरो डिग्री है जितना आप इक्वेटर के पास रहते हो ठीक है मैं इतना एरिया मान रहा हूं इसमें ऑलमोस्ट थर्टी डिग्री मान लो यार थर्टी ठीक है थर्टी थर्टी साउथ तो इसमें जितने भी डेजर्ट हैं दे ऑल आर हॉट डेजर्ट सबके सब क्या है हॉट डेजर्ट अब जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते हो ना तो फिर वहां पर क्या आ जाता है दोस्तों वहां पर आ जाता है कोल्ड डेजर्ट ठीक है तो ये चीज तो मुझे हिसाब से मेरे हिसाब से आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है आप सब बच्चे इसके बारे में जानते हो सब बच्चे इसके बारे में समझते हो हेलो जी तो मैम क्लास में हूँ अभी हाँ क्लास के बाद अभी कॉल करता हूँ मैम आपको सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हॉट यहां पे हमने देख लिया दो प्रकार के डेजर्ट जितना इक्वेटर के पास जाओगे आपको गर्म डेजर्ट मिलेंगे जितना इक्वेटर से दूर जाओगे आपको वार्म डेजर्ट मिलेंगे आपको गर्म डेजर्ट मिलेंगे और जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो बहुत कलाकार टाइप के होते हैं पानी होता नहीं है तो इनको अपने आप को इस हिसाब से ढालना पड़ता है कि कम पानी में भी सर्वाइव कर पाए तो देखो फ्लोरा मतलब वनस्पति और फोना मतलब जीव वनस्पति में कैक्टी एकेशिया ठीक है यूफोरिया यूफोरबिया उसके बाद में प्रिकली प्रिकलीपियस श्रू ये तो हैं आपके पेड़ पौधे अरे मतलब कैक्टस बस इतने समझ जाओ बहुत है दूसरा श्रू मतलब होता है वो चूहा टाइप का होता है बड़ा सा चूहा होता है ठीक है ये इनको हम बोलते हैं बेरोइंग एनिमल्स जो बिल खोद के रहते हैं ना वो एनिमल्स यहाँ बहुत पाए जाते हैं डेजर्ट में जो बिल खोद के रहते हैं ना धरती के अंदर वो बहुत पाए जाते हैं श्रूस फॉक्स वुड रैक्स जो लकड़ी में पाए जाते हैं रैबिट खरगोश कैमल्स ऊंट आपको आपको पता ही है 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 रेगिस्तान की जात और गट बकरी ये सारे जीव जो है पे आपको मिलते हैं ठीक सबकी कुछ ना कुछ खास बात होती है मैं बताऊंगा अदर प्रोमिनेंट डेजर्ट एनिमल्स आर रेप्टाइल्स इनके अलावा रेप्टाइल्स भी पाए जाते हैं रेप्टाइल्स मतलब जो रेंग के चलते हैं ठीक है सांप वगैरह रेप्टाइल्स भी होते हैं एंड बरोइंग बरोइंग मतलब जो बिल खोद के रहते हैं ठीक है रोडेंट्स एंड इंसेक्ट्स समझ में आ रही बात सो so, डेजर्ट हमने पढ़ लिया कैसा कैसा होता है कहाँ पाया जाता है यहाँ वनस्पति पाई जाती है कैक्टस अकेशियापियस ठीक है और अगर मैं बात करू जानवर तो श्रू फॉक्स वुड रेड्स रेबिट्स कैमल गॉट वो जो कम उसमें भी रह ले ठीक है यहाँ पे बहुत सारे आपके लेजार्ड्स पाए जाते हैं ऐसे ठीक है छिपकली टाइप से ऐसे बहुत सारे पाए जाते हैं जो बहुत ज्यादा कम पानी में भी वो काम चला लेते हैं ठीक है बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन पास करते हैं बहुत ज्यादा आपने देखा है ना जब आप सर्दियों में आप पानी पीते हो तो बहुत ज्यादा यूरिनेशन होता है बहुत ज्यादा आप टॉयलेट जाते हो ठीक है बार बार टॉयलेट जाते हो लेकिन अभी गर्मियों में जाते हो नहीं जाते है। एक तो गर्मियों में वैसे जिनको पानी कम पीते हैं तो वो तो टॉयलेट जाते ही बहुत कम है और उनका टॉयलेट बहुत कंसनट्रटेड आता है ठीक है बहुत कंसनट्रेटेड टॉयलेट आता है हमारा गर्मियों में एज कंपेयर टू इन दिन विंटर में कंसनट्रेटेड नहीं होता ठीक है गर्मियों में कंसनट्रेटेड क्यों होता है क्योंकि हमारे बॉडी को वाटर की बहुत ज्यादा तापमान की वाटर की जरूरत होती है इनका यूरिया जो है ऑलमोस्ट गर्मियों सर्दियों ये यूरिया ही करते हैं कोई दो तीन दिन में एक बार एक एक दिन दिन में में दो या तीन बार करते हैं लोग ठीक है ऐसे ऐसे हैं मतलब इतना पानी की कमी है यहाँ पे कई तो ऐसे हैं कई इंसेक्ट्स तो, तो ऐसी होती हैं ठीक है जो लिजार्ड्स होती है वो इंसेक्टोबोरस होते हैं मतलब उनको पानी की जरूरत नहीं है वो किसी कीट पतंग खा के पानी भी मतलब उसी से रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं उसका जो खून वगैरह या जो भी उसके अंदर में लिक्विड पार्ट होता है उसी से वो क्या करते हैं अपने वाटर की भी रिक्वायरमेंट को क्या करते हैं पूरा करते हैं सो तो इनकी खास बात है यहाँ पर बिल खोद के रहने वाले जीव बहुत ज्यादा पाए जाते हैं है ना यहाँ पर एक विशेष प्रकार के जीव पाए जाते हैं दोस्तों और उनको हम क्या बोलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं जीव भी और पौधे भी उनके बारे में हम चर्चा यहाँ पर करेंगे तो मरुस्थल हो गया वनस्पति और जीव मैंने बताया पानी की कमी और गर्मी बहुत ज्यादा होती है अत्यधिक तापमान इसमें होता है जैसे जैसे भूमध्य रेखा के पास जाते हो तो आपको गर्म रेगिस्तान मिलते हैं लेकिन अगर हम समीतोषण क्षेत्र में जाते हो तो वहां पर हमारे पास ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं ठीक है कोल्ड डेजर्ट पाए जाते हैं इसी प्रकार वनस्पति और जीव में अगर मैं बात करूं तो वनस्पति में कैक्टी मिलता है आपको बबूल मिलता है यूफोर्बिया मिलता है कांटेदार नाशपाती नहीं कांटेदार झाड़ियां मिलती हैं आपको ठीक है इसके अलावा शुरू मतलब धूर्त मतलब ये चूहे को बोलते हैं हम ठीक है चूहे को बोलते हैं लोमड़ी लकड़ी के चूहे खरगोश ऊंट और बकरी कुछ और भी है रेगिस्तान के अंदर में जो जानवर पाए जाते हैं जैसे सरी सर जो रेंग के चलते हैं और साथ साथ में बुर्जिंग कृतंक कीट ठीक है सो so, जो बैरोइंग एनिमल्स होते हैं ना जो आपका गड्ढा खोद के रहते हैं इन बिटवीन ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैपरिकॉन ठीक है अभी मैं बताऊंगा डेजर्ट के बारे में भी बताऊंगा सर इट्स माय फर्स्ट क्लास आज नेट स्पीड स्लो ही नहीं स्लो ही नहीं हुई बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में थैंक यू राज सिंह यार बढ़िया है ठीक है ये देखिए प्रतिभा ने कुछ अच्छा सा बता दिया हाँ ठीक है बहुत सही बताया प्रतिभा अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा उसके बारे में ठीक है जो वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है वो जेरोफाइटिक होती है और जो जीव पाए जाते हैं वो जेरोकल होते हैं ठीक है डॉक्टर जेकोल टाइप के ना जेकॉल जेकॉल से याद रखो जेरोकल सो जेको जेरोकल होते हैं जेरोकल मतलब कम पानी में भी काम चलाते हैं ठीक है कम पानी में भी काम चलाते हैं ऊंट जो है जेरोकल है क्या क्योंकि कम पानी में कहते हैं ना ऊंट रेगिस्तान का जहाज है कम पानी में कई दिन चल जाता है ठीक है सो वो वाली बात यहां पर अब देखना डेजर्ट के अंदर में मैं क्या क्या बता रहा हूँ हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट हमारे पास दो प्रकार के डेजर्ट पाए जाते हैं हॉट डेजर्ट जैसे इंडिया में है जिसको हम नाम दे, दे देते हैं थार डेजर्ट थार डेजर्ट भी है ना थार डेजर्ट के अंदर क्या होता है भाई साहब कंटिन्यू ड्रॉट सीजन चलता है सूखा सीजन चलता है बारिश बहुत कम होती है रेनफॉल इज बींग इेगुलर एंड स्कैंटी बारिश जो है सेंटिनी स्केंटी मतलब बहुत कम होती है ठीक है बारिश ऐसे ऐसे कुछ वर्ड आ जाते हैं ना तो कई यहाँ पे गालिब के फैन हैं मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनते हैं वो वो फॉर्म में आ जाते हैं सेंटी नाम ले दिया तो उनको बस याद आने लगती है किसी किसी की तो सेंटीन बेटिस बेसिकली दोस्तों इट्स स्केंटी स्केंटी मतलब कम सो कंटिन्यू ड्रॉट की कंडीशन रहती है रेनफॉल बहुत इरेगुलर होता है और बहुत स्केंटी होता है कम होता है देर आर टू टाइप ऑफ द प्लांट यहाँ पर जो पेड़ जो बारिश पे ऐसी बात नहीं है डेजर्ट में थोड़ी बहुत बारिश तो होती है और जो थोड़ी बहुत बारिश डेजर्ट के अंदर में होती है ना उसके ऊपर कुछ प्रकार के पेड़ पौधे निर्भर करते हैं और वो जो पेड़ पौधे कौन से होते हैं है कि बारिश हुई बारिश होती जैसे आज बारिश हुई शाम तक या कल तक आपको देखोगे कई कुछ नए पौधे निकल के आगे बार ठीक है वो बहुत शॉर्ट लाइफ होते हैं उनकी जड़ें इतनी विकसित नहीं होती जैसे ही नमी सूखेगी ना मिट्टी की वो मर जाएंगे ऐसो को हम बोलते हैं फर्मल झटपट का काम होता है इनका बारिश हुई झटपट से उग जाएंगे और जब तक नमी रहेगी तब तक रहेंगे उसके बाद तुरंत जैसे ही मिट्टी की नमी गई चटक जाएंगे ठीक है इनका स्वा हो जाएगा राम नाम सत्य हो जाएगा दूसरा जो होता है पेरिनियल पेरिनियल का मतलब वैसे तो सदा नीरा होता है लेकिन ये जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है बहुत कम समय के लिए होते हैं ये भी। लेकिन इनका एक well जब तक मिट्टी में क्या होगी नमी होगी सो एफर्मल और समझ गए ना क्या होता है प्लांट की वेरायटी है दो और उसके अलावा जो हमारे पास यहाँ प्लांट होते हैं जेरोफाइटिक मतलब उनको तो लंबे समय तक पानी ना भी दो ये अपना जुगाड़ करके आते हैं ठीक है

इसीलिए यहां पर बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन पाई जाती है ड्यूरिंग विंटर्स सर्दियों के समय यहाँ पर बहुत ही कोल्ड और सीवियर कंडीशन आपकी पाई जाती है बहुत ठंडी कंडीशन पाई जाती है यहाँ पेड़ कैसे होते हैं दोस्तों ओक पाइन बर्च देवदार रोडेंड्रोन्स रोडेंड्रोन इंपॉर्टेंट है इस पर सवाल आया भी जा चुका है ठीक है रोडेंड्रोन्स इंपॉर्टेंट है याद रखना ये छोट छोटी छोटी घास टाइप की होती है इन पर फूल भी आते हैं ठीक है झाड़ी सी होती हैं झाड़ी टाइप की होती हैं इस पर फूल भी आते हैं और हिमालय में ही आपको देखने को मिलती है ऐसा ही सवाल आया था कि जब आप इधर से उधर जाते हो तो आपको हिमालय में कौन सी वनस्पति फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है दैट इज ठीक है इसमें अगर मैं बात करूं आपको तो जीव जंतु कौन से मिलेंगे एशियाटिक आईबैक्स तिब्बतियन अर्गिल तिब्बतियन एंटीलोप एंटीलोप मतलब हिरण ही होता है जिसको हम चीरू कहते हैं तिब्बतियन गजेला स्नोलेपर्ड स्नोपर्ड तो पता होगा ब्राउन बियर अब आप सोचो कि क्या सर ये नाम याद कर रहे नहीं याद करने भाई नहीं याद करने होते हैं नाम ठीक है लेकिन कुछ कुछ नाम तो न्यूज में रहते हैं जैसे ये चीरू नाम न्यूज में रहता है ठीक है तिब्बती एंटीलॉप, ये तो फेमस भी है बहुत यार तो ये तो हमें करना पड़ता है स्नो पढ़ आपको वैसे ही पता होगा उसके बारे में बताने की जरूरत है नहीं आपको ठीक है तो ये कुछ नाम होते हैं जो याद करने की जरूरत होते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था जब हम टुंडरा की बात कर रहे थे तो टुंडरा में हमें कुछ याद रखना पड़ता है क्यों क्योंकि टुंडरा के अंदर में जो जीव होते हैं ना उनमें एक स्पेशल अडेप्टन होता है क्या कि एक तो उनके शरीर के ऊपर एक थिक फर होती है बहुत मोटी है ना और साथ ही साथ में उनका जो छेद होते हैं उनके बॉडी में जो होल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं वाई वाई सो ताकि हीट का लॉस मिनिमम हो इसी प्रकार इनमें भी कुछ अडेप्टन होता है भाई इनको भी तो पानी कम जो है मिलेगा ना तो इनके ऊपर भी कुछ अडेप्टेशन होता है तो उसी को हम बोलते हैं डेजर्ट अडेप्टन डेजर्ट अनुकूलन प्लांट का अपना अलग होता है और एनिमल का अपना अलग होता है मतलब क्या है सर ये अपने आप को उस में ढालने के लिए कुछ विशेष इनके पास में करेक्टरिस्टिक्स होती है प्लांट के पास क्या क्या होता है दोस्तों देखो यार वीडियो लाइक करनी है सभी बच्चों को यार गाइज प्लीज वीडियो लाइक करो और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो है ना और सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं ठीक है सबसे रिक्वेस्ट है कि आप बाकी लोगों को भी बोलो चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है कोई नहीं है टक्कर में मत पढ़ो तुम चक्कर में यूपीएससी की तैयारी यहीं होगी बाकी जगह तो खेती बाड़ी कराई जा रही है प्लांट की बात करूंगा मैं एनिमल्स की बात करूंगा दे आर मोस्टली श्रब्स यहाँ पे मुख्यतः जो डेजर्ट के अंदर में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं ना मुख्यतः है, वो क्या होते हैं श्रब्स मतलब झाड़ियां होती हैं मुख्यतः ठीक है लीव्स एब और रिड्यूस इन द साइज या तो इनके ऊपर पत्ते होते ही नहीं है और किसी में अगर पत्ते हैं बाय चांस तो पत्ते क्या हैं दोस्तों आपका बहुत ही छोटे छोटे हैं या तो लीव पे पे है पेड़ पौधे पे पत्ते हैं ही नहीं ठीक है या उनका जो साइज है वो बहुत ही क्या हो चुका है छोटा हो चुका है, है ना, ना थिक होते हैं वैक्सी टाइप के होते हैं आप गद्दम आपको महसूस होगी और उस गद्दम में क्या होगा उस गद्दम के अंदर उस वैक्सी और उस विलीव के अंदर में वाटर स्टोर होता है ना तो वो उस पानी का इस्तेमाल कर लेंगे के अंदर में आपका ये हैं और ये पानी को क्या करते हैं मित्रों स्टोर कर लेते हैं कुछ प्लांट तो ऐसे होते हैं जिनके तने जो स्टम है ना उसके अंदर में भी क्लोरोफिल पाया जाता है ठीक है मतलब पत्ते नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं वो अपने तने से भी क्या कर लेते हैं आपका जो है भोजन जो है बना लेते हैं क्योंकि उनके अंदर में क्लोरोफिल पाया जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए

या लीव्स होते हैं हैं वो रिड्यूस हो जाते साइज में बहुत छोटे आपके बाल जैसे होते हैं क्योंकि जितना पत्ते का सरफेस एरिया कम होगा ना उतना ही उसकी सरफेस से वाटर का इवेपोरेशन कम होगा जिसको हम बोलते हैं इवेपो ट्रांसपायरेशन क्या बोलते हैं उसको इवेपो ट्रांसपायरेशन उतना ही कम होगा ठीक है जितना भाई पत्ते का साइज छोटा है उतना ही इवेपो ट्रांसपायरेशन उससे क्या होगा क्या होगा कम होगा जितना छोटा है अब इसीलिए बाल टाइप के पत्ते होते हैं यहाँ पे ठीक है आपने देखा हो कई सारे पेड़ ऐसे होते हैं अर्ध शुष्क एरिया के अंदर जो बिल्कुल मरुस्थली एरिया उनमें तो पत्ते होते ही नहीं है कैक्टस आपको देखोगा तो कैक्टस को आप देखना कभी तोड़ के वो गद्देदार होता है उसके अंदर गद्दा टाइप होता है जैसे गन्ने में होता है अंदर तो ऐसे उसमें गद्दा जूस टाइप से उसमें पानी स्टोर होता है उसमें वाटर वो स्टोर करके रखता है बुरे दिनों के लिए इसी प्रकार से यहाँ पर भी है लीव या तो बहुत छोटे छोटे हैं ठीक है या लीव्स जो होते हैं बहुत हेरी हैं हेरी क्यों है दोस्तों ताकि उनके अंदर में वाटर स्टोरेज जो है क्या हो सके आपकी वाटर स्टोरेज जो है वो आप प्रॉपर तरीके से वाटर वहां पे स्टोर हो सके ठीक है सॉरी वाटर का ट्रांसपायरेशन ना हो पानी उनकी सतह जो नॉर्मल पत्ते होते हैं ना उनकी सरफेस से पानी उड़ता है भाप बन के लेकिन इसमें नहीं होता पत्ते छोटे हैं तो पानी कम उड़ेगा अब पानी ये भी उड़ाने लग जाए तो क्या है एक तो आमदनी है ही अठननी और ऊपर से ही खर्चा करे चार रुपए का उड़ाए पैसों को तो दिक्कत हो जाएगी ना तो ये खास बात है और यूपीएससी इसके बारे में क्वेश्चन पूछ भी चुका है और इन पेड़ों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों जीरो इनको जीरो बोलते हैं। जीरो ठीक है और जो पेड़ होते हैं इनको जीरो और जो एनिमल्स होते है, इनको जेरोकल बोलते हैं क्या बोलते हैं जेरोकल अब पेड़ों की भी खास बात है क्या ये फास्ट रनर होते हैं सबसे बड़ी बात डेजर्ट के अंदर फास्ट रनर क्यों सर फास्ट रनर क्यों होते हैं मैं बताता हूं कोई शिकार करने चला गया ठीक है अब वहां दिन में गया था धूप होती होगी रात में उसको खाना वाना मिलने में रात दोपहर होगी अब दोपहर में तापमान क्या होगा बढ़ जाएगा ग्राउंड सतह नीचे से क्या होगी तपिनने लगेगी है ना अब वो जब उसके ऊपर है ठीक है अगर वो धीरे धीरे जाएगा तो उसको क्या लगेगी नीचे से हीट लगेगी बॉडी उसकी गर्म होगी लेकिन अगर वो फास्ट रनर है तो आराम से वो हीट को क्या कर सकता है ठीक है दूर कर सकता है टांगे बहुत लंबी होंगी यहाँ रहने वाले जीवों की लंबी लंबी टांग के होते हैं यहाँ पे ठीक है टांगे यहां जो होते हैं उनकी बहुत लंबी होती है क्यों लंबी होती है ताकि ग्राउंड से जमीन बहुत गर्म होती है ना तो ग्राउंड से इनकी बॉडी ऊपर रहे ज्यादा ऊपर रहेगी बॉडी तो भाई जो आपकी इनकी बॉडी है उनसे ज्यादा हीट लॉस नहीं होगा गर्म गर्म नहीं होगी सो इनकी टांगे बहुत लंबी होती हैं फास्ट टांगे लंबी होगी तो ये फास्ट रनर रनर भी होते हैं दे कंजर्व वाटर बाय एक्सक्रीटिंग कंसंट्रेटेड यूरिन बहुत कंसंट्रेटेड यूरिन कंसर्ट बहुत येलो टाइप का इधर मतलब उसमें यूरिया ही होता है कुछ नहीं होता ठीक है बहुत कंसेंट्रेटेड यूरिन से क्रिएट करते हैं ठीक है इनके लंबे टांग होते हैं ताकि इनकी बॉडी को ये ग्राउंड हॉट ग्राउंड से क्या कर सके दूर रख सके जितनी भी लजार्ट होती हैं इंसेक्टोवरस होती हैं ताकि इनको पानी पीने की आवश्यकता ना पड़े हरबी वॉरस एनिमल्स जो होते हैं ना जो घास वास खा के जिंदा रहते हैं ये भी एनिमल ऐसे हैं बेचारे जो आपके प्लांट होते हैं ना पेड़ होते हैं ना उन्हीं को खाते हैं तो उन्हीं से वो पानी की जरूरतें पूरा करते हैं बहुत सारे यहां पे ऐसे जीव है जो सीड ईटिंग है जो बीज को खाते हैं और जब वो बीज खाते हैं ना तो बीज खाने से ही उनको पानी की आवश्यकता भी उनकी क्या हो जाती है पूरी हो जाती है ठीक है ज्यादातर जो जीव होते हैं रेगिस्तान में वो नोचुरल होते हैं नोचुरल मतलब रात में निकलते हैं क्योंकि दिन में तापमान बहुत ज्यादा होता है तो दिन में वो नहीं निकलते दिन में सोते हैं निशाचर होते हैं वो यहाँ के जो जीव होते हैं ज्यादातर डेजर्ट के वो निशाचर होते हैं क्योंकि रात में जब तापमान कम होता है ना तब वो क्या करते हैं बाहर निकलते हैं तो इन चीज को बोलते हैं हम अडेप्टेशन हिंदी में बोलते हैं अनुकूलन तो रेगिस्तान में अगर रहना है भाई तो रेगिस्तान का अनुकूलन आपको सीखना पड़ेगा है ना तो यहां पर जो हमारे पास प्लांट है वो भी और जो एनिमल है वो भी दोनों के पास में अनुकूलन है यहां ज्यादातर झाड़ियां होती हैं मैंने आपको जो बताया सेम की सेम बात है

ठीक है अभी हम समाप्ति कर रहे हैं एक काम है जो आपको करना है दैट इज डेजर्टिफिकेशन आपको पढ़ना है आप पढ़ोगे तो मैं इस पर क्लास लगाऊंगा अदरवाइज मैं इस पर कोई भी क्लास आपकी नहीं लगाऊंगा आई एम टेलिंग दिस थिंग टू यू मैं आपको बता रहा हूं ठीक है साथ ही साथ यार ये अपने बैच है आप इसको ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड सुमिट टेन आपको पता है मेरा कोड अब बंद कर रहा हूं भाई बंद कर दिए कर दी बंद अभी बंद कर दी मैंने जाओ जाओ ठीक है चिंता मत करो नाराज मत हुआ करो तो ये अपना बैच है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं बाई यूजिंग द कोड सुमिट टेन इंडियन जोग्रफी बेसिकली मैं पढ़ा रहा हूँ अभी चार बजे हमारी क्लास है आप जुड़ भी सकते हो मेरे साथ साथ ही साथ में दोस्तों हम अनअकेडमी का यूट्यूब तो चल ही रहा है एक और प्लेटफॉर्म भी है जिसको हम बोलते हैं अकेडमी का कौन सा प्लेटफॉर्म एक अनकेडमी का दूसरा प्लेटफॉर्म है जिसको हम बोलते हैं अनकेडमी का प्लस प्लेटफॉर्म वहां पे हम दो प्रकार के कोर्स देते हैं प्लस और आइकॉनिक ये पेड प्लेटफॉर्म है पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाते हैं लाइव लाइव सेशन होता है है स्ट्रक्चर्ड कोर्स पीडीएफ भी मिलती आंसर की डेली आपको अलग से, एक पर्सनल मिल दोनों ही केस में दोस्तों आप इनको जुड़ सकते हो दोनों आप सब्सक्राइब कर सकते हो बट बस याद क्या रखना आपको कोड मेरा कोड क्या है सुमिट टेन ऑलवेज रिमेंबर जस्ट यूज दिस कोड एंड इस कोड को आपको यूज करना है ठीक है सो ऑलवेज यूज द कोड सुमिट टेन टू गेट द टेन परसेंट ऑफ एन एन अकेडमी आप ऑप्शनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो यहाँ से इसके लिए भी आपको सुमिट टेन कोड का इस्तेमाल करना है साथ ही साथ में दोस्तों हमारा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है जिसमें जी एस प्लस ऑप्शनल आपको दोनों चीजें साथ साथ मिलती है इसमें भी आपको कोड क्या यूज करना है दोस्तों सुमिट टेन समझ जाओ अन अकेडमी पर जब भी आपको आना अनैडमी की सेल्स टीम आपको कॉल करती है तो उसका बेसिक पर्पज क्या होता है आपको गाइड करना आपको बताना आपको समझाना ठीक है कि किस प्रकार से आप अन को ज्वाइन कर सकते हो तो वो जब भी आपको बताते हैं तो साथ साथ में ना वो कई बार अपने कोड भी बता देते हैं तो उनके कोड से किसी भी बच्चे को ज्वाइन नहीं करना है क्यों क्योंकि फिर उस बच्चे को गाइडेंस का डेफिसिट डेफिसिट हो जाता है गाइडेंस उसको नहीं मिल पाएगा तो अगर आप लोग चाहते हैं ना वास्तव में कि मैं आपको गाइड करूं मैं खुद आपको पढ़ाऊं मेरे संपर्क में आप रहना चाहते हैं तो गाइज यू जस्ट हैव टू क्या करना पड़ेगा आपको कोड यूज करना पड़ेगा सुमित टन ठीक है ना दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन थैंक यू वेरी मच टेक केयर बाय जय हिंद ऑलवेज यूज द कोड सुमित टेन टू गेट द टेन परसेंट ऑफ एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल सो गाइस फटाफट टेलीग्राम चैनल को भी क्या कर लो ज्वाइन कर लो ठीक है ऑन दिस नॉट वी आर